ये मैंने बताया कि कोई एक ऑपरेटर है, जनरल ऑपरेटर है, साई फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है, और जब वो ऑपरेटर अप्लाई होता है तो ए उसकी आइगन वैल्यू जनरेट होती है, फंक्शन एज इट इज जनरेट हो जाता है। ये उसकी जनरलाइज्ड फॉर्म हमने लिखी, क्योंकि साई जो है ना आइगन फंक्शन है। तो यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा है? ऑपरेटर है डिफरेंशियल डेरिवेटिव, डी ओवर डी एक्स, और साई जो है ना हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या है? साइन ऑफ ए एक्स। ठीक है, इसका हमने डेरिवेटिव लिया, साइन ऑफ ए एक्स का डेरिवेटिव, ओ सॉरी, मैं इसकी बात आप कर रहे हैं ओसामा, या इसकी बात कर रहे हैं? You are now unmuted. ये वाला है, मैंने कहा कि You are now muted. ए कोई ऑपरेटर है, साई जो है ना जो कि एक आइगन फंक्शन है, उस पर ऑपरेटर अप्लाई होता है तो उसकी आइगन वैल्यू ए जनरेट होती है, ए साई फंक्शन रिजनरेट हो गया। ठीक है, अब इसको हम समझने के लिए कहते हैं कि ऑपरेटर जो है हमारा वो है डिफरेंशियल डी ओवर डी एक्स, डेरिवेटिव है, और साई जो है वो है एक्सपोनेंट के एक्स के बराबर। तो अब ऑपरेटर की जगह पे डेरिवेटिव ये लिखेंगे डी ओवर डी एक्स, और साई की जगह पे लिखेंगे एक्सपोनेंट के एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंट के एक्स, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सपोनेंट के एक्स एज इट इज आ गया, फिर के एक्स का डेरिवेटिव लिया तो के एक्स का डेरिवेटिव के आ जाएगा। तो ये चीज जब हम ये डेरिवेटिव इस पर अप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है के इंटू एक्सपोनेंट के एक्स। अब एक्सपोनेंट के एक्स फंक्शन दोबारा रीजनरेट हो गया डिफरेंशियल के बाद, जब हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया, और किस वैल्यू के साथ? के साथ, के उसकी मैग्नीट्यूड है, तो के है आइगन वैल्यू और एक्सपोनेंट के एक्स है आइगन फंक्शन। क्लियर हो गई बात उसामा? You are now unmuted. तो ये स्लाइड समझ आई है? इसमें अगेन हमने लिखा कि ऑपरेटर साई के You are ऊपर now अप्लाई हो muted. रहा है, ठीक है ना, इज इक्वल टू ए, उसकी आइगन वैल्यू जनरेट होती है और साई रीजनरेट हो जाता है। अब यहाँ पे हमारा जो ऑपरेटर है वो है, इसको ठीक लिख लें, ऑपरेटर हमारा है डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये इसके ऊपर स्क्वायर डाल दें। यहाँ पे ये ऑपरेटर डी ओवर डी एक्स खाली नहीं है बल्कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर है। तो साई हमारा साइन ऑफ ए एक्स है। तो पहला डेरिवेटिव जब हमने लिया साइन ऑफ ए एक्स का, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस ए एक्स, फिर ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? ए आ जाएगा, तो ए कॉस ए एक्स। फिर जब दोबारा हमने इसका डेरिवेटिव लिया, ठीक है ना, तो दोबारा डेरिवेटिव लेने के बाद ए एक्स का डेरिवेटिव ए आ जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस ए एक्स माइनस साइन ए एक्स होता है, तो माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल के बाद, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद साइन ए एक्स दोबारा रिजनरेट हो गया। अब साइन ए एक्स आइगन फंक्शन है और माइनस ए स्क्वायर आइगन वैल्यू। क्लियर हो गई बात You are now unmuted. या कोई है कंफ्यूजन? हाँ जी, डबल डेरिवेटिव, ठीक You are now है। muted. चलें, अब वही एग्जाम्पल इधर लिखी हुई है दोबारा जो अभी समझाई है, ठीक है ना, जो पिछले पेज पे थी ना, ये वाली, You are now यही unmuted. चीज है कि वो ऑपरेटर आपका डबल डेरिवेटिव है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? वही चीज है। You are now चलें, muted. तो अब हम देखते हैं डिमार्वस थ्योरम के बारे में। ये यूज होगा डिमार्वस थ्योरम, और यूलर्स थ्योरम भी यूज होंगे। यूलर्स थ्योरम क्या है? यूलर्स थ्योरम ये है, एक्सपोनेंट अयोटा थी थीटा, एक्सपोनेंट अयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, और एक्सपोनेंट माइनस अयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा।
अगर एक्सपोनेंट माइनस अयोटा थीटा हो तो कॉस थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा होगा, और एक्सपोनेंट प्लस अयोटा थीटा हो तो कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। अब ये दोनों इक्वेशंस, एक्सपोनेंट अयोटा थीटा वाली और एक्सपोनेंट माइनस अयोटा थीटा वाली, ये दोनों कंबाइन हम इनको यूलर्स थ्योरम कहते हैं, EULER, यूलर्स थ्योरम। अच्छा, अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, बाय एडिंग दीज टू इक्वेशंस, तो प्लस अयोटा साइन थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो कॉस थीटा है ये टू कॉस थीटा हो जाएगा, यानी अयोटा थीटा प्लस एक्सपोनेंट अयोटा थीटा प्लस एक्सपोनेंट माइनस अयोटा थीटा इज इक्वल टू टू कॉस थीटा। अब ये जो टू है ये अगर मैं इस साइड पे ले आऊं तो ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्सपोनेंट अयोटा थीटा प्लस एक्सपोनेंट माइनस अयोटा थीटा डिवाइडेड बाय टू। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्सपोनेंट अयोटा थीटा प्लस एक्सपोनेंट माइनस अयोटा थीटा डिवाइडेड बाय टू, इस इक्वेशन को हम कहते हैं डी मार्वस थ्योरम। तो यहाँ पे कोई चीज आप लोगों ने पूछनी है तो पूछ लें। जी जी क्लियर है, यूलर्स थ्योरम और डी मार्वस थ्योरम, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, चलें अब हम आगे चलते हैं। चलें कॉम्प्लेक्स नंबर। अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज दैट विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस अयोटा बीटा इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को मैथमेटिकली हम ए प्लस अयोटा बीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस अयोटा बीटा। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट होता है एक इमेजिनरी पार्ट होता है। जो रियल पार्ट है इसमें वो ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट अयोटा के साथ लिखा जाता है। तो इट हैज टू पार्ट्स, रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिवोटेड बाय जी, ये जी मार्ट के साथ। अब ये इसकी एग्जांपल है, z इज इक्वल टू टू प्लस थ्री अयोटा और z इज इक्वल टू थ्री प्लस अयोटा माइनस फाइव अयोटा। अब इसमें रियल पार्ट जो है ना कौन कौन सा है, ये दोनों एग्जांपल में रियल, इसमें पहली एग्जांपल में रियल टू है और दूसरी एग्जांपल में रियल पार्ट थ्री है। और जो पहली एग्जांपल है उसमें इमेजिनरी पार्ट थ्री है और दूसरी एग्जांपल में इमेजिनरी पार्ट माइनस फाइव है। क्लियर, तो ए प्लस अयोटा बीटा की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं। और अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की, तो जी बार जो है ना, यानी कि हम जी के ऊपर जो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है उधर बार डाल देते हैं, उसको हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज द नंबर विद एन इक्वल रियल पार्ट एंड एन इमेजिनरी पार्ट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है ना सेम उसकी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होते हैं बट साइन डिफरेंट होता है, वो प्लस है तो ये माइनस होता है। फॉर एग्जाम्पल 3 प्लस 4i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है वो 3 माइनस 4i, सिंपल फर्क ये है। अगर ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं,
ये इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि पॉलीनोमियल्स के रूट फाइंड करने के लिए जब हम सॉल्व सॉल्यूशन कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। पॉलीनोमियल्स जो है ना मैथमेटिकल टर्म्स हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, उनको जो है ना हम जब उनके रूट्स फाइंड कर रहे होते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट वहां पे हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। और अगर ग्राफिकली अगर मैं बात करूं, ये देखें कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स वाई प्लेन में अगर मैं ये जो है ना ये लाइन है जो एरो से मैंने रिप्रेजेंट की हुई है, ये एक वेक्टर है, इसकी वैल्यू है जी की एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स दोनों सूरतों में वो रियल डायरेक्शन में आ रहा है और इमेजिनरी पार्ट जो वाई है इसमें प्लस है और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में माइनस है। तो यानी कि अगर मैं ऐसे समझ लें कि आप पानी के ऊपर खड़े हो जाएं तो जो आपका पानी के अंदर अक्स आएगा वो आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। आप बजाते खुद कॉम्प्लेक्स नंबर हैं अगर, तो पानी के सामने खड़े हो जाएं, ठीक है, तो पानी के अंदर जो अक्स नजर आ रहा है वो आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो इसका नीचे वाई माइनस वाई डायरेक्शन में जो है प्रोजेक्शन में एक्स माइनस आयोटा वाई इसकी ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। क्लियर? यहां तक मुझे बता दें कि क्लियर है कि नहीं है, फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर है? चलें। एक और स्टूडेंट एब्सेंट है फहीम के अलावा, वो कौन है? पहले सेशन में था लेकिन इस सेशन में नहीं। लेकिन इधर आ तो नहीं रहा, ठीक है ना, चलें आगे चलते हैं। ठीक हो गया। अब यहां पे एक चीज आई है आयोटा, ठीक है ना, आई के साथ जो है आयोटा की मैथमेटिकल वैल्यू है -1√, ठीक है ना, -1√ इसकी जो वैल्यू होती है। आयोटा का जो स्क्वायर है, स्क्वायर अगर लें इसका तो आयोटा स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और आयोटा की वैल्यू बजाते खुद -1√। अब आयोटा की पावर इवन भी हो सकती है, आयोटा की पावर ऑड भी हो सकती है। इवन के केस में क्या आंसर आएगा? इवन के लिए दो पॉसिबिलिटीज है कि जब आयोटा की पावर इवन हो, फॉर एग्जांपल आयोटा की पावर है 70 तो 70 भी तो इवन है, और दूसरी फॉर एग्जांपल आयोटा की पावर है 80, अब 80 भी इवन पावर है। उसमें हमने ये देखना है कि एक तो आयोटा का स्क्वायर ले लेना है, स्प्लिट करनी है पावर, 35 मल्टीप्लाइड बाय 2 आंसर इज 70, आयोटा स्क्वायर के साथ स्प्लिट कर दी पावर आ गई 35। अब दूसरे केस में जब आयोटा की पावर 80 थी, आयोटा स्क्वायर की पावर स्प्लिट कर दी, आयोटा स्क्वायर की पावर आ गई 40। अब देखें, अब दो डिफरेंट सिचुएशन आ गई, यहां पे आयोटा स्क्वायर की पावर 35 आ गई जो कि ऑड है, अब यहां पे आयोटा स्क्वायर की पावर 40 आ गई जो कि इवन है। अगर आयोटा स्क्वायर की पावर इवन रहती है तो फिर तो आंसर आ जाएगा +1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 40, मतलब इवन पावर लें -1 की इवन पावर तो प्लस आती है, जैसे -1 की पावर 2 हो या -1 की पावर 4 हो या -1 की पावर 6 हो या -1 की पावर 40 हो तो आंसर +1 आ गया। अब यहां आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिखें और पावर 35 है तो ऑड पावर -1 की जितनी भी होगी आंसर -1। तो अब ये जो है ना आयोटा स्क्वायर, ओ सॉरी,
आयोटा की पावर अगर इवन हो तो फिर हमने ये सप्लिट करके देखना है कि आयोटा स्क्वायर की पावर क्या बन रही है। अगर आयोटा स्क्वायर की पावर बन रही हो आड, तो आंसर आएगा माइनस वन। और अगर आयोटा स्क्वायर की पावर वो आ रही हो इवन, तो फिर आंसर आएगा प्लस। यानी कि आयोटा की ओवरऑल पावर अगर इवन है तो फिर हमने फर्दर देखा कि पावर आठ बन रही है या आयोटा स्क्वायर की पावर इवन बन रही है। अगर आयोटा स्क्वायर की इवन पावर बन रही है तो आंसर इज प्लस वन, और अगर आयोटा स्क्वायर की पावर आठ बन रही है तो आंसर इज माइनस वन। तो यानी कि आयोटा की पावर जब इवन होगी तो फर्दर हमने ये देखना है कि आइदर आयोटा स्क्वायर की पावर आड है या इवन है, फिर हम डिसाइड करेंगे कि आंसर क्या है। अगर आयोटा स्क्वायर की पावर आड है तो आंसर माइनस वन आएगा, और अगर आयोटा स्क्वायर की पावर इवन है तो आंसर आपका प्लस आएगा। क्लियर? अब हम चलते हैं कि जब आयोटा की पावर क्या हो, आयोटा की पावर आड हो। तो आयोटा की पावर जब आड होगी, फॉर एग्जांपल आयोटा की पावर है 13, तो इसको हमने सप्लिट करना है इस तरह, क्योंकि आड पावर है, पहले तो आयोटा स्क्वायर की पावर लिखनी है, ठीक है ना, फिर जो एक आयोटा बच जाएगा उसको मल्टीप्लाई करके लिखना। तो अब आयोटा स्क्वायर देखें, आयोटा 13 है ना, सबसे पहले तो आयोटा अलहदा कर लें, बाकी बच गया आयोटा 12, आयोटा की पावर 12। अब आयोटा की पावर 12 जो है ना, इसको सेपरेट करना है आयोटा स्क्वायर की पावर, तो आयोटा स्क्वायर की पावर बनेगी 6 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। अब एक आपने ले ली आयोटा की पावर 37, ठीक है ना, तो अब आपने क्या कर लेना है, आयोटा की पावर जो 37 बनी है इसको आपने अब आयोटा स्क्वायर में सेपरेट कर लेना है, और ये आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 18 आयोटा स्क्वायर की पावर जो है माइनस वन की पावर 18 प्लस वन, तो आंसर इज माइनस वन अंडर रूट। और इसी तरह ये वाला जो सीन है, इसको आप जो है ना आयोटा स्क्वायर की पावर जो है ना 6 है, तो इस केस में भी प्लस वन आ जाएगा, ये आयोटा की वैल्यू माइनस वन अंडर रूट है, तो दोनों सूरतों में माइनस वन अंडर रूट आ गया। चलें, ये तो थे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो क्वांटम मैकेनिक्स में इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा ये यूनिट ख़त्म हो गया है, इसमें आप मुझे बताएं कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो वो मैं क्लियर करा दूँ। जी कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, आयोटा, उसकी पावर्स, ये चीजें क्लियर हैं। ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर, नॉन लीनियर ऑपरेटर, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये चीजें, डी मार्वास थ्योरम और यूलर्स थ्योरम, ये चीजें क्लियर हैं। मेरी आवाज आ रही है? चलें आगे चलें फिर। आगे चलते हैं हम। थ्योरम वाला आप शमा, आप अपना माइक ऑन कर लो। थ्योरम के हवाले से मुझे बताएं कौन सी चीज आपको क्लियर नहीं है ताकि मैं बता दूं फिर। जी जी सर, जो सेकंड वाला थ्योरम था ये बता दें। एक तो
परवेज था ना जो सेकंड वाला था, यूलर्स, यूलर्स थ्योरम है, एक्सपोनेंट आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एंड एक्सपोनेंट माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये दोनों इक्वेशंस यूलर्स थ्योरम है। समझ आ गई बात? जी सर। ठीक है, एक्स आयोटा जो है अगर उसकी पावर प्लस आयोटा थीटा है, एक्सपोनेंट की पावर प्लस आयोटा थीटा है तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और अगर उसकी माइनस है तो कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये यूलर्स थ्योरम है। ठीक है सर, ओके, क्लियर हो गया। ठीक हो गया। और डिमार्वर्स थ्योरम, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्सपोनेंट आयोटा थीटा प्लस एक्सपोनेंट माइनस आयोटा थीटा ओवर 2। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन? ये मुझे बताएं कि आप लोग सिर्फ जो है ना देखते जा रहे हैं स्लाइडें, या कुछ लिख भी रहे हैं, या कुछ फॉलो भी कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं? सबसे पहले आमिर नवाज आप बताओ। आमिर नवाज आप माइक ऑन कर लो। आमिर, यू आर नाउ अनम्यूटेड। जी 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 तो मैं थोड़ा स्लो कर लूंगा, कोई इशू नहीं है, मतलब मुझे बता दिया करें ना, ठीक है ना, कोई फास्ट करने का वो नहीं है, क्योंकि एक तो जब मैं लिख रहा होता हूँ उस वक्त तो साफ जाहिर है सिंक्रोनाइजेशन होती है, ह्यूमंस की ह्यूमंस के साथ सिंक्रोनाइजेशन है, ठीक है, आप फॉलो कर रहे होते हैं तो आप डेफिनेटली स्लाइड्स हैं, इसमें हो सकता है कि थोड़ा मैं फास्ट हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि स्लो हो, ठीक है ना, ताकि आप लोग फॉलो कर सकें। बाकी समझ आ रही है, क्लियर हो रहा है मामला? स्लाइड्स तो शेयर नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग उसको लिख लिया करें, पूरा नोट कर लिया करें। अच्छा, नहीं, एक दो लाइन इसको क्लियर आप नोट किया करो, ठीक है। तो चलें, अब मैं आगे चलता हूँ, उसमें खैर है, मैं स्लो चलूंगा, अगर किसी का रह जाए तो बेशक मैसेज कर दे, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो ये आप लोगों से पढ़ा जा रहा है, माइक ऑन कर लो। यू आर नाउ अनम्यूटेड। हेलो, हैं? नहीं, स्क्रीन आपके पास शेयर हो रही है? अच्छा, चलें। आइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉलो करते जाएं साथ साथ। आइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन 1927 आइजनबर्ग एक्सप्लेन द momentum and position of a small particle in 1927 Eisenberg explained the momentum and position of a small particle such as electron and he put forwarded his uncertainty principle which is known as Eisenberg uncertainty principle. According to this principle, it is impossible to measure
इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद सर्टेनिटी अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल it is impossible to measure simultaneously both the position and momentum of a microscopic particle with certainty. Yani ke ये पॉसिबल नहीं है कि किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन कि आप साइमल्टेनियसली उसका मोमेंटम भी एग्जैक्टली मेजर कर लें और उसी लम्हे जिस लम्हे आपने मोमेंटम मेजर किया है एग्जैक्टली और आप कहें कि उसकी पोजीशन भी ये है, मतलब सर्टेनिटी के साथ आप ये नहीं कह सकते कि पोजीशन भी आपने एग्जैक्ट मेजर कर ली एट अ टाइम और मोमेंटम भी उसका इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट मेजर कर लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इसको हम क्या कहते हैं, आइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। और एक चीज एट अ टाइम आप एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं, दूसरी के बारे में आप अनसर्टेन होते हैं। पोजीशन अगर सर्टेनिटी से मेजर करेंगे तो आप उसके मोमेंटम के बारे में सर्टेनिटी से बात नहीं कर सकेंगे। तो मैथमेटिकली इट कैन बी स्टेटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन बोथ पोजिशन एंड मोमेंटम। मैथमेटिकली इट कैन बी स्टेटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी in both position and momentum of a microscopic particle is equal to or greater than Planck's constant. क्या मतलब कि uncertainty in position and uncertainty in momentum, इन दोनों का जो product है वो या इक्वल होता है प्लैंक्स कांस्टेंट के या उससे ग्रेटर होता है प्लैंक्स कांस्टेंट के, यानी डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन एच, या सम टाइम आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन एच ओवर 4π। ये भी एक इसकी फॉर्म है, सिर्फ खाली प्लैंक्स कांस्टेंट नहीं बल्कि एच ओवर 4π की भी बात करते हैं। अच्छा, डेल्टा एक्स, अब डेल्टा पी की जगह पे आप मोमेंटम की जगह पे एम डेल्टा वी लिख सकते हो, ये भी मोमेंटम है, इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन एच ओवर 4π। डेल्टा पी क्योंकि मोमेंटम है जो कि प्रोडक्ट होता है मैस और वेलोसिटी का, मैस और डेल्टा वी, क्योंकि डेल्टा पी है तो एम डेल्टा वी लिख देंगे। तो आइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हवाले से कोई क्वेश्चन? जी, यू आर नाउ अनम्यूटेड। जी जी, वो देखें भाई, जा तो उसके इक्वल हो एच के, फिर तो इक्वल साइन लगा दें, ठीक है ना, वो कि दोनों पोजीशन और मोमेंटम की जो अनसर्टेनिटी है वो या तो प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर होगी या उससे ज्यादा होगी, ठीक है ना, क्लियर होगी बात? You are now unmuted. वो सर्टेनिटी नहीं है हमारे पास। आमिर नवाज, बिल्कुल ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल। जी, और किसी ने कुछ पूछना है? जी ठीक हो गया, अब हम आगे चलते हैं। तो
अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम ये मैंने करा ली थी, ये सामा माइक ऑन करो, यू आर नाउ अनम्यूटेड. कराई नहीं थी उसकी कैलकुलेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आई थिंक करा दी थी। ये फेस टू फेस में मेरे ख्याल में तो करा देनी चाहिए आपको, कोई और जिसने लेक्चर लिया हो करा दी थी ना, ये फेस टू फेस में करा दी थी मुझे, एक मिनट कंफर्म करने में, बिल्कुल करा दी थी। और डी ब्रॉगलेज वेव पार्टिकल डुअलिटी ये भी करा दी थी, ठीक है ना, ठीक है, डी ब्रॉग्ली वेव पार्टिकल डुअलिटी ये मैंने आपको करा दी हुई है, ठीक है ना। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अभी हो गया। चलें, अब जो चीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्लासिकल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्लासिकल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। You are now तो muted. तमाम लोग मुझे सुन रहे हैं, तो जहां पे किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात क्लियर ना हो, फौरन अपना माइक ऑन करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक हो गया। तो क्लासिकल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये हमारी सारी जितने भी क्वांटम हम पढ़ेंगे हमारा सारा कुछ इसी के गिर्द घूमेगा। तो इसको स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं, अ यूनिफॉर्म वेव इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग दैट इज फिक्स्ड एट इट्स बोथ एंड्स। एक स्ट्रिंग हम लेते हैं, एक रस्सी लेते हैं, दो एंड्स पे हमने उसको फिक्स कर दिया है, दोनों एंड्स पे। अब उसको हम वेव जनरेट उसमें करें तो यूनिफॉर्म वेव जो है ना उसमें प्रोड्यूस होती है, उस वेव को हम कंसिडर करके तो आगे हम चलते हैं। मेरी बात दोबारा सुन लें, हमने एक रस्सी ली, दोनों सिरों पे उसको मजबूती से बांध दिया और उसमें एक वेव यूनिफॉर्म वेव प्रोड्यूस की। अब उस वेव को लेकर आगे हम बढ़ेंगे। अब वो जो डायग्राम अगर आप लोगों को नजर आ रही है, ये रस्सी में, ये रस्सी है, इसका एक एंड है जिसको हमने जीरो कहा हुआ है, इनिशियल एंड, और एक को वन कहा हुआ है। अब ये रस्सी जो है ना, इसकी यूनिफॉर्म जो वेव इसमें जनरेट हुई है उसकी हाफ वेव हमने ये सिलेक्ट कर ली है। अब इसमें ये उसका क्या है, एम्पलीट्यूड है, जो कि यू से हमने रिप्रेजेंट यहाँ पे किया है। और ये किस चीज का फंक्शन है, ये डिस्टेंस का भी है, एक्स का, डिस्प्लेसमेंट का, और दूसरा टाइम का। और ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जीरो डिस्टेंस है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वन है, ये आपका एक्स है, ठीक, और ये टाइम और एक्स दोनों पे डिपेंड कर रही है। एक्स हमारी लेंथ है और टी हमारा क्या है, टाइम है। वेयर यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है मैंने कि वो यू जो है एक्स और टी का फंक्शन है। लेट अस टेक अ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैंने यहां पे बात की है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए पहले आपको पढ़ाएं ताकि इन चीजों से आप फेमिलियर हों। डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने कहा था कि वो इक्वेशन जिसमें एटलीस्ट एक फंक्शन का डिफरेंशियल मौजूद हो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इसमें है। और साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि या ऑर्डिनरी
डिफरेंशियल हो या पार्शियल डिफरेंशियल हो तो वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो इस रस्सी के अंदर जो वेव्स जनरेट हुई हैं, अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा हो तो इन वेव्स की जो मोशन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिकली जो इक्वेशन हमारी आती है वो ये है, वो ये है कर्ली स्क्वायर यू ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन ओवर वी स्क्वायर कर्ली स्क्वायर यू ओवर कर्ली टी स्क्वायर। ऑलरेडी मैंने बताया कि ये दो डिफरेंशियल है ना, एक डिफरेंशियल उसके डिस्टेंस के हवाले से है, लेंथ के हवाले से है, दूसरा डिफरेंशियल उसके टाइम के हवाले से है। यू हमारा मैंने कहा था कि फंक्शन है किन दो चीजों का, एक्स का भी और टी का भी, तो वो कर्ली स्क्वायर यू ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन ओवर वी स्क्वायर, वी जो है ना हमारी वेलोसिटी है, ठीक है, और कर्ली स्क्वायर यू ओवर कर्ली टी स्क्वायर, ये इक्वेशन है हमारी वन। बच्चे दोबारा सुनो, कर्ली स्क्वायर यू ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन ओवर वी स्क्वायर कर्ली स्क्वायर यू ओवर कर्ली टी स्क्वायर, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन उस वेव की जो मोशन है स्ट्रिंग के अंदर जो यूनिफॉर्म वेव प्रोड्यूस हुई है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। क्यों? क्योंकि यू जो मैंने बताया था आपको एम्पलीट्यूड है जो वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, दो चीजों पर, कौन सी दो चीजों पर, एक्स पर उसकी लेंथ पर और टाइम पर। तो लेंथ और टाइम के हिसाब से जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो उसकी मोशन को रिप्रेजेंट करती है वो ये वाली है इक्वेशन नंबर वन। तो वी इज द वेलोसिटी विद विच द डिस्टरबेंस मूव्स अलोंग द स्ट्रिंग, तो यहाँ पे जो डिस्टरबेंस है वो यू है आपकी, ठीक, तो वो वी वो वेलोसिटी है जिसके साथ आपका वो जो है ना स्ट्रिंग के अंदर जो डिस्टरबेंस है जो या वेव है जो प्रोड्यूस हुई है उसके साथ वो मूव कर रही है। अच्छा, अब ये अगर आप पिछले पेज पे देखें, यहाँ पे बाउंड्री एक है जहां पे जीरो है लेंथ, यहाँ पे बाउंड्री वन है, तो ये आपकी बाउंड्री कंडीशन है एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू वन। तो द बाउंड्री कंडीशंस आर x is equal to 0 and x is equal to 1 for all time. हर मतलब टोटल आपकी लेंथ 1 है और अगर हम इनिशियल बात करें तो वो 0 है, तो 0 और 1 के दरमियान आपकी टोटल लेंथ है ऑल द टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाउंड्री कंडीशंस आपकी हैं x is equal to 0 and x is equal to 1। अब हम चलते हैं, हम कहते हैं कि हमारा जो यू है जो डिस्टरबेंस है वो फंक्शन है किसका, एक्स का और टाइम का। ऑलरेडी आपको बता चुका हूं ये किसके बराबर है, ये साई एक्स कॉस थीटा। साई क्या है, वेव फंक्शन है, ये वेव का करैक्टरिस्टिक है, ठीक है, ये साई क्या है, वेव फंक्शन है, ठीक है, ये वेव का करैक्टरिस्टिक है, आइगन फंक्शन है, ठीक है ना, और ये किस पे, लेंथ पे, लेंथ का फंक्शन है, यहाँ पे अगर हमने लिखा है मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। अब कॉस थीटा वो एंगल के लिए है, अब थीटा जो है थीटा किसके बराबर है, ओमेगा टी के, ये आपको ऑलरेडी पता है, तो थीटा की जगह पे ओमेगा टी हम लिख देंगे, तो थीटा की वैल्यू पुट कर दो अब आप इक्वेशन में, तो यू इज इक्वल टू साई एक्स, ये एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये साई ऑफ एक्स है, ठीक है, ये साई ऑफ एक्स है कॉस ओमेगा टी। अब जो है थीटा की वैल्यू आपने पुट कर दी, अब ये इक्वेशन टू, अब इक्वेशन टू को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अब वो इसके जो फंक्शन है फलां फलां का या साई ऑफ एक्स उनको मैंने हटा दिया,
विद रेस्पेक्ट टू एक्स अब इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कर्ली यू ओवर कर्ली एक्स इज इक्वल टू कर्ली साई ओवर कर्ली एक्स कॉस ओमेगा टी। अब कॉस ओमेगा टी विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो कांस्टेंट हो गया, इसलिए हमने कॉस ओमेगा टी को एज अ कांस्टेंट कांस्टेंट ट्रीट किया क्योंकि उसमें एक्स है नहीं। अब अगेन इसको डिफरेंशिएट करें, कर्ली स्क्वायर यू ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ली स्क्वायर वाई साई ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, ये इक्वेशन थ्री हो गई। अब पहले इस इक्वेशन को u इज इक्वल टू साई एक्स कॉस थीटा इसको आपने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, इसको इक्वेशन टू को, सॉरी इक्वेशन टू को आप लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया। अब इक्वेशन टू को आपने विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है। तो कर्ली u ओवर कर्ली t, अब साई x क्योंकि साई जो है ना फंक्शन है x का, क्योंकि हमने लिखा भी ऊपर था साई x, तो अब साई जो है ना विद रेस्पेक्ट टू t कांस्टेंट कंसिडर हो जाएगा, तो साई x इनटू कॉस ओमेगा t का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा t, और ओमेगा t का डेरिवेटिव ओमेगा आ जाएगा, तो माइनस साइन ओमेगा t मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। अगेन डिफरेंशिएट कर लें, तो अगेन डिफरेंशिएट करके तो कर्ली स्क्वायर यू ओवर कर्ली टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साई एक्स, अब ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, एक ओमेगा पहले था अब ओमेगा इससे आ जाएगा, तो साइन क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, तो माइनस साई एक्स ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। अब ये जो वैल्यूज हैं ये कर्ली स्क्वायर यू ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर और कर्ली स्क्वायर यू ओवर कर्ली टी स्क्वायर, इन दोनों की वैल्यूज को हमने इक्वेशन नंबर वन में पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर वन में वैल्यूज पुट करें तो कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली स्क्वायर एक्स कर्ली एक्स स्क्वायर कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू वन ओवर वी स्क्वायर इनटू माइनस साई एक्स ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। अब लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉस ओमेगा टी, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉस ओमेगा टी ये राइट हैंड साइड वाले कॉस ओमेगा टी के साथ क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा। अब ये जो चीज बचेगी वो आएगी कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन ओवर वी स्क्वायर साई एक्स ओमेगा स्क्वायर। अब क्या करें, अब इसको सारे को ये जो राइट हैंड साइड पे है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा, तो कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर साई एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन हो गई फाइव। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल एम्पलीट्यूड। स्फेरिकल एम्पलीट्यूड की बेस पे ये जो वेव इक्वेशन है, फर्दर हमने आगे इसको मॉडिफाई करना है, ओमेगा स्क्वायर और वी स्क्वायर को हटाएंगे तो आगे जाके फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन फर्दर आगे जाने से पहले इक्वेशन फाइव तक किसी को अगर किसी जगह पे कोई मसला है तो वो मुझे बताएं ताकि ये मैं एड्रेस कर दूं, फिर हम आगे चलेंगे। जी हाँ जी जी बच्चों आर यू लिसनिंग। जी बच्चे क्लियर है, चलें ओके अब हम आगे चलते हैं।
अब ओमेगा को हमने रिप्लेस करना है पहले, तो ऑलरेडी हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, न्यू ये फ्रीक्वेंसी वाला है, ठीक है ना, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, और वी जो है वो होती है विलास्टी, विलास्टी जो है विलास्टी और फ्रीक्वेंसी का या लैम्डा का जो आपस में रिलेशन है, वी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो अब ओमेगा की जगह पे और विलास्टी वी की जगह पे जो वन ओवर नीचे वी था इक्वेशन फाइव में, तो ओमेगा और वी की वैल्यूज इक्वेशन फाइव में पुट कर दें, तो कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 पाई है, तो ऑलरेडी वहां पे 2 पाई वो स्क्वायर है वहां पे ओमेगा का, तो ओमेगा का स्क्वायर है, तो ये 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर, और वी का स्क्वायर है तो ये न्यू स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, तो न्यू स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, साई एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो अब क्या हो गया हमारे पास, ये कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर साई एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई 6। तो अब क्या करना है, हमने लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, लैम्डा को रिप्लेस करना है हमने। तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा स्क्वायर, लेट अस कैलकुलेट द टोटल एनर्जी विच इज सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, टोटल एनर्जी सम है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का, ये हो गई इक्वेशन नंबर 7। तो अब काइनेटिक एनर्जी की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दें, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² जो कि काइनेटिक एनर्जी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी v है, V, ये कैपिटल V है, ठीक है। और अब डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, और पोटेंशियल एनर्जी यहां पे हम जो कंसिडर कर रहे हैं उसको हमने V लिखा है, कैपिटल V। तो काइनेटिक एनर्जी को पहले हम लेके चलते हैं, फिर जो है ना उसमें V को तो K क्या होती है, 1/2 mv² डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड बाय m, तो m के साथ इसको डिवाइड भी कर लें मल्टीप्लाई भी कर लें, तो यहाँ पे नीचे m² हो जाएगा, v² हो जाएगा। तो mv आपको पता है किसके बराबर होता है, मोमेंटम के बराबर होता है, mv p के बराबर, तो m² v² किसके बराबर हो जाएगा, p² मोमेंटम के, और 2m काइनेटिक एनर्जी आ गई p² / 2m। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पे आप p² / 2m लिख दें, पुट द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इक्वेशन 7, तो टोटल एनर्जी आ गई p² / 2m प्लस v। तो अब v जो है इसको टोटल एनर्जी वाली साइड पे यानी लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, तो v(et-v) हो जाएगा इज इक्वल टू p² / 2m। अब क्या करें, 2m को जो है ये एनर्जी वाली साइड पे ले जाएं, यानी लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं et-v की, तो p² इज इक्वल टू हो जाएगा et-v मल्टीप्लाइड बाय 2m, जो कि पहले डिवाइड हो रहा था दूसरी साइड पे, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया। तो et टोटल एनर्जी है, et लिखें या सिंपली e से उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, e का मतलब टोटल एनर्जी होगा ऑन वर्ल्ड, जब भी हम बात करेंगे e का मतलब टोटल एनर्जी होगा। तो p² इज इक्वल टू 2m इंटू e-v, e जो है आपकी टोटल एनर्जी है माइनस v ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं डी ब्रॉली इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉली वेव इक्वेशन लैम्डा किसके बराबर होता है, h ओवर p के। तो इसका स्क्वायर ले लें, तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर ओवर p स्क्वायर, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 8। तो अब हम इस जो है ना स्लाइड पे चले थे कहां से,
कि हमने ओमेगा की वैल्यू और वी की वैल्यू जो पिछली इक्वेशन में थी उसको रिप्लेस करना था, उसमें पुट किया। फिर हमने अभी लैम्डा स्क्वायर फाइंड करना है, उसके लिए हमने टोटल एनर्जी कंसिडर की, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और हम इक्वेशन 8 पे अभी पहुंचे हैं कि लैम्डा स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर के। तो अब पी स्क्वायर की वैल्यू जो पिछली इक्वेशन से आई है, यहाँ पे पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इनटू e माइनस v। अब ये यहां से इस इक्वेशन से पी स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 8 में। तो पुट द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर इन इक्वेशन 8, तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर ओवर 2m इनटू e माइनस v। तो अब हमें 1 ओवर लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, क्यों, कहां पुट करने के लिए, इधर पुट करने के लिए, ये इक्वेशन नंबर 6 में। इक्वेशन नंबर 6 में 1 ओवर लैम्डा स्क्वायर की जगह पे हमने वैल्यू पुट करनी है। तो ये लैम्डा स्क्वायर है, तो 1 ओवर लैम्डा स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो उधर से वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो 1 ओवर लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इनटू e माइनस v ओवर h स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 9। अब इक्वेशन नंबर 9 से 1 ओवर लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 में पुट करें। कौन सी इक्वेशन नंबर 6 है? इक्वेशन नंबर 6 जो है ना, ये वाली। तो इक्वेशन नंबर 6 में 1 ओवर लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस 2m into e minus v over h square, आगे 4 pi square और psi x था is equal to 0 हो जाएगा। अब ये 4 multiplied by 2 8 हो जाएगा, 8 pi square हो जाएगा, और ये m है 8 pi square m into e minus v over h square psi x, और curly square और वो as it is आ जाएगा। तो curly square psi over curly x square plus 8 pi square m into e minus v is equal to into over h square multiplied by psi x is equal to 0। अच्छा, अब जो है basically मैं h को h cut में convert करना चाह रहा हूँ। h होता है, h जो है h over h cut होता है h over 2 pi के बराबर। तो इसके लिए मैं कुछ यहाँ पे करने जा रहा हूँ। तो कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे जो है मैंने क्या 2 रहने दिया और 4 पाई स्क्वायर इसमें से, 8 जो है ना 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 है ना, तो 4 पाई स्क्वायर को मैं डबल डिनोमिनेटर में ले गया, एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर कर दिया। डबल डिनोमिनेटर का मतलब है ये दोबारा न्यूमरेटर में जाएगा और वही चीज बन जाएगी। वो इसलिए किया कि इसको हम मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ एच कट में। तो 2m into e minus v over h square over 4 pi square, अब ये जो h square 4 pi square है h cut square के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक h cut h over 2 pi होता है। तो इसकी जगह पे मैं h cut square लिख दूंगा। तो curly square psi over curly x square प्लस 2m into e minus v over h cut square psi of x, psi x is equal to 0। अब इसको भी हम सेपरेट करके लिख सकते हैं कि e को अलहदा कर दें और v को अलहदा कर दें। तो by separating e यानी total energy and v यानी कि potential energy, we get curly square psi over curly x square 2m e over h cut square psi x, 2m e over h cut square psi x minus 2m v over h cut square psi of x is equal to 0। अब इस साइड में से जो 2m over h cut square है, मैं इसको पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं। नाउ मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन by h cut square over 2m, तो h cut square 2m इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m और h cut square कैंसिल हो जाएगा,
बाकी बचेगा प्लस ई साई एफ एक्स साई एक्स, और यहाँ भी टू एम एच कट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस वी साई एक्स इज इक्वल टू जीरो बचेगा। तो अगर ई साई एक्स मैं इसी साइड पर रहने दूं लेफ्ट साइड पे, और बाकी जो है v वाली टर्म और h कट वाली टर्म राइट हैंड साइड पे ले जाऊं, तो v साई x ये प्लस हो जाएगा और दूसरा h कट वाली टर्म माइनस हो जाएगी। तो e साई x इज इक्वल टू v साई x माइनस h कट स्क्वायर ओवर 2m कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली x स्क्वायर। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव इक्वेशन आर क्लासिकल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन नहीं है बल्कि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, और इसको हम स्टैंडिंग वेव इक्वेशन भी कहते हैं, और एप्लीकेशन इसकी बाद में हम देखते हैं, लेकिन यहां तक किसी को कोई चीज क्लियर नहीं है तो वो मुझे बता दे। जी हाँ जी जी हाँ जी स्टूडेंट सारा क्लियर है? जी जी अब जो मेथड मैंने पढ़ाया है इसको फॉलो करना है। अब वो सिंपल बच्चों वाला मेथड छोड़ दें, ठीक है ना? आमिर नवाज आर यू लिसनिंग? ठीक है ना, अब इसको फॉलो करना है आपने। और किसी का कोई क्वेश्चन इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्लैरिटी ना हो, तो वो आप लोग मुझसे पूछ लें। ज्यादा तो नहीं हो गया आज? अच्छा, काफी हो गया है। तो पार्टिकल इन वन डी बॉक्स पढ़ना ले, क्या ख्याल है?
चलें अभी एक प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करके दें। जी प्रॉब्लम ये है कि f ऑफ x इज इक्वल टू लिखें f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट 2x एक्सपोनेंट की पावर 2x नहीं इसको इस तरह ना लिखें। चलें चलें खैर लिखें फंक्शन जो है आपका या y इज इक्वल टू एक्सपोनेंट की पावर 2x एक्सपोनेंट की पावर 2x y इज इक्वल टू एक्सपोनेंट की पावर 2x और दूसरा है एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू cos थीटा और तीसरी एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर थ्री एक्स की पावर टू थ्री एक्स की पावर टू आप लोगों ने मुझे ये बताना है अभी करके कि ये जो फंक्शन है ये जो y फंक्शन है तीन एग्जांपल में मैंने बताया है अलग अलग इसको चेक करना है ये अलग अलग इसको चेक करना है ये आइगन फंक्शन है With respect to first order derivative, with respect to second order derivative, अलग अलग चेक करना है and with respect to second order derivative, ये तीन फंक्शन आपको बताए हैं y जो है ना उसकी तीन एग्जाम्पल दिए हैं इनको चेक करना है आपने with respect to फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताना है कि आइदर इट इज आइगन फंक्शन आर नॉट विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कौन कौन सा आइगन फंक्शन है विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑर्डर एंड विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड ऑर्डर ये अभी बताना है अभी जी
हर्ल्ड फंक्शन जो 3x2 बताया है ये किसी के लिहाज से आइगन फंक्शन नहीं है, ना फर्स्ट ऑर्डर के लिहाज से ना सेकंड ऑर्डर के लिहाज से। और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर के लिहाज, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिहाज से भी और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिहाज से भी आइगन फंक्शन रहेगा। और जो सेकंड बताया है, कौन सा बताया है, कॉस थीटा बताया था या साइन एक्स बताया था, कॉस एक्स या साइन एक्स? तो cos x है या sin x है विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो वो जी cos x जो है ना विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये जो है ना आइगन है फर्स्ट के लिहाज से नहीं है, और पहले वाला जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो दोनों के लिहाज से आइगन फंक्शन है, और तीसरी एग्जांपल में दोनों के लिहाज से वो आइगन फंक्शन नहीं है। चलें ठीक हो गया, मैं अभी आप लोगों ने साइन आउट नहीं करना, देखें वो नाइन्थ जो है अब वो एब्सेंट हो जाएगी, वो कौन जो है लॉग आउट हो गया है अभी वो एब्सेंट हो जाएगा या हो जाएगी, ये मैं अभी अटेंडेंस जनरेट कर रहा हूँ, अभी लॉग आउट किसने कहा था कि हो जाए, अब उसकी अटेंडेंस नहीं आएगी, ठीक है ना? आर यू हियरिंग? यू आर नाउ अनम्यूटेड। हाँ, ये कौन है जो साइन आउट कर गया है, अभी मैं अटेंडेंस जनरेट करूंगा उसका एब्सेंट हो जाएगी, लॉग इन करें ना फौरन, टाइम भी खत्म होने वाला है। कौन है ये, इतना जल्दी लगी हुई है जाने की? चले वो कर लेंगे, मुझे अभी बताया ना कि वो नाइन्थ कौन सा स्टूडेंट है जो लॉग आउट हो गया है, चले फिर उसकी एब्सेंट लग जाएगी। अब इस तरह मतलब लास्ट टाइम तक जब मैं साइन आउट अटेंडेंस ना लगा लूं तो ये ना किया करें। अब वो एब्सेंट हो जाएगी।